नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा प्राइमरी इंसोम्निया के बारे में। नींद ना आने की एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत से लोगों में देखी जाती है, जिसकी वजह से लोग नींद या तो पूरी ले नहीं पाते या फिर नींद से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाते। इसके लक्षण, कारण और कुछ उपाय बताऊंगा। आइए अब आगे शुरू करते हैं वीडियो को। इनसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी दो तरह से देखी जाती है। एक होता है प्राइमरी इनसोम्निया और एक होता है सेकेंडरी इनसोम्निया। सेकेंडरी इनसोम्निया जहां किसी रीजन की वजह से होती है, मतलब किसी मेडिकल कंडीशन या किसी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से होती है, तो वहीं प्राइमरी इनसोम्निया में अक्सर कोई बहुत बड़ा कारण देखने में नहीं आता। जैसे किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेनिया के दौरान या अपने सिम्टम से जूझते हुए एक पर्सन की नींद इफेक्ट हो सकती है, इसे सेकेंडरी इंसोम्निया कहते हैं। तो वहीं प्राइमरी इंसोम्निया में एक पर्सन बस ऐसा पाता है कि वो रात को सो नहीं पाता, सही टाइम पर उसको नींद नहीं आती, काफी देर बाद नींद आती है, या अगर नींद आ जाए बीच में टूट जाती है तो ऐसे में नींद को मेंटेन करना मुश्किल होता है। और नींद अगर आ भी जाए तो बहुत कच्ची सी नींद रहती है। सुबह उठने के बाद ऐसा नहीं लगता कि बहुत फ्रेश माइंड से उठे हैं, और हमेशा दिन भर ऐसा लगता रहता है कि जैसे नींद की कमी रह गई है, नींद को पूरा करना है। तो एक व्यक्ति जूझता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है, जिसकी वजह से और बड़ा सारा मानसिक और शारीरिक तनाव होता है। प्राइमरी इंसोम्निया काफी कॉमन बीमारी है और कई बार तो ये बिना किसी इलाज के भी रिजॉल्व हो जाती है। कुछ समय के बाद जब एक पर्सन अच्छी नींद ले ले, 4-6 दिन अगर उसको अच्छी नींद ना आई हो, वो सोने की कोशिश कर रहा हो पर नींद ना आ रही हो, तो कोई एक दिन ऐसा होगा जब उसको बहुत अच्छी नींद आएगी, तो उसके बाद देखने में आएगा कि ये प्रॉब्लम चली गई। उसके बाद वो व्यक्ति रोज अच्छे से सोने लगेगा। पर वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहती है, परसिस्टेंट रहती है, तो उस केस में उनको इलाज की जरूरत पड़ती है। कारण पता करने के लिए कुछ स्लीप टेस्ट कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, और साथ ही कुछ दूसरा मेंटल हेल्थ इवेल्युएशन भी कराना पड़ सकता है, ताकि पता चले कि कौन से रीजंस की वजह से ये प्राइमरी इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए पहले बात करते हैं इसके कुछ कॉमन लक्षणों के बारे में। आमतौर पर जिन्हें प्राइमरी इंसोम्निया रहता है वो लोग 5 या 6 घंटे की नींद ही ले पाते हैं, जबकि रिकमेंडेड जो होता है वो करीब 8 घंटे की नींद एडवाइस की जाती है, जिसमें कि एक पर्सन बहुत ही अच्छा महसूस करे और बहुत ही सेटिस्फाइड और फ्रेश महसूस करे। पर इंसोम्निया में अक्सर 5 या 6 घंटे की नींद ही एक पर्सन आमतौर पर ले पाता है, तभी उसे इंसोम्निया के लक्षण परेशान करते हैं, और जब सीवियर केस हो जाते हैं तो एक पर्सन 1 या 2 घंटे ही सो पाता है। बिस्तर पे सोने जाते हैं, चिंताएं बनी रहती हैं कि आज नींद आएगी या नहीं आएगी, ये देखने में आता है। लेट गए पर 2-3 घंटे के बाद नींद आ पाई, 2-3 घंटे तक करवटें बदलते रहे। अगर नींद आ गई तो बीच में नींद टूट जाती है, उसके बाद फिर पर्सन करवटें बदलता है, उठता है, इधर उधर घूमता है, नींद आने में उसको और मुश्किल होती है, पूरी कोशिश करता है कि नींद आ जाए पर उसको नींद नहीं आ पाती। ऐसे में वो उठ के कभी टॉयलेट जाएगा, कभी बाहर घूमेगा, कभी इधर उधर बैठेगा, कभी मोबाइल चला लेगा, कभी कोई किताब पढ़ेगा, कोई गाने सुनेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि वो कोशिश करे कि बस उसे नींद आ जाए, पर उसे नींद नहीं आ पाती और वो बहुत देर तक जूझता रहता है। कई बार जब रात को एक बार नींद टूटे तो सुबह तक नींद आती ही नहीं, और कई बार 1 या 2 घंटे के बाद नींद आ पाती है पर जो ओवरऑल ड्यूरेशन है नींद की वो 3 या 4 घंटे ही रह जाती है रात में। नींद बहुत कच्ची होती है, छोटी सी भी कोई आवाज आ जाए, कोई आहट हो जाए तो नींद खुल जाएगी, और कई बार बिना किसी वजह के भी नींद टूट सकती है। सुबह सोकर उठने में मुश्किल होती है, उठना है पर शरीर में थकान महसूस हो रही है, सरदर्द हो रहा है, ऐसा महसूस होगा। पूरा दिन भर एक पर्सन नींद में रहेगा, थका हुआ रहेगा, उबासियां लेता रहेगा, जब कभी खाली होगा तो उसको झपकियां आती रहेंगी, कोशिश करेगा कि किसी तरह से बस आधा घंटा 1 घंटा सो लूं, नींद मिल जाए तो शायद मैं ठीक हो जाऊं, शायद मेरा दिन अच्छा निकले, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार जब नैप ले भी लेते हैं तो 1 या 2 घंटे तक ही फ्रेश मूड रहता है, उसके बाद फिर से मन चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर से नींद की कमी महसूस होने लगती है, मोटिवेशन की कमी हो जाती है, काम में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, लंबे टाइम तक इंसोम्निया बना रहे तो मेमोरी प्रॉब्लम्स भी देखने में आती हैं। कोई शोर हो रहा हो या बहुत तेज लाइट हो उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, पसंद नहीं आता लाइट में रहना, अंधेरे में रहने का मन करता है, शरीर हमेशा थका हुआ महसूस करता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, छोटे मोटे काम भी ढंग से नहीं हो पाते, हमेशा लगता है कि बस थोड़ा आराम कर लें, बहुत जल्दी डर जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, घबराहट हो सकती है, माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है, बहुत ज्यादा सोचने वाला हो सकता है,
और चिड़चिड़ेपन के साथ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है। तो कुछ इस तरह के फिजिकल और इमोशनल इफेक्ट्स देखने में आते हैं प्राइमरी इंसोम्निया के। अक्सर ये सिम्टम्स कई दिनों से कई हफ्तों तक बने रह सकते हैं। और जब एक पर्सन को एक रात कोई अच्छी नींद मिल जाए, जैसा कि आमतौर पर होता है कि जब लोग कई दिनों तक अच्छी नींद ना लेने की वजह से बुरी तरह थक जाते हैं, काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं दिन भर और रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते, तो कोई एक वीकेंड होता है, कोई छुट्टी का दिन होता है, या जब बुखार या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, जुकाम हो जाए, तो उसके बाद वो अच्छी खासी नींद लेते हैं, तो उनका ये सारा इंसोम्निया एकदम चला जाता है। तो अच्छी नींद एक दिन भी कई बार अगर मिल जाए तो एक पर्सन का इंसोम्निया कई दिनों या कई हफ्तों पुराना भी पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाता है। पर यह हर किसी के मामले में नहीं हो पाता, क्योंकि कई लोगों में ये इंसोम्निया कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इंसोम्निया के साथ? लंबे टाइम तक अगर इंसोम्निया बना रहे तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लेवल बढ़ जाते हैं। हो सकता है एक पर्सन को पहले थोड़ी बहुत एंग्जाइटी या डिप्रेस मूड रहता हो, पर इंसोम्निया की वजह से, लंबे समय तक जूझने की वजह से, जब नींद अच्छी नहीं मिलेगी, काम ठीक से नहीं होंगे, ठीक तरीके से सोच काम नहीं करेगी, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, तो एक पर्सन में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, लॉसेस आएंगे, वो डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा, उसको बहुत बेचैनी होगी, काम पूरे नहीं होंगे तो एक हड़बड़ी सी लगी रहेगी। खासकर ये जो एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, ये तब ज्यादा होगी जब एक पर्सन रात को सोने जाएगा, क्योंकि हमेशा उसके मन में बना रहेगा कि अच्छा कल परसों इतने दिन से नींद नहीं मिल रही तो शायद आज भी ना मिले, तो वो उसकी जो थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा दौड़ने लगेंगी और सोने से पहले वो पाएगा कि उसका माइंड बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है। ऐसे में उसकी नींद और भी ज्यादा टूटेगी और मुश्किल हो जाएगा सो पाना। तो या तो नींद आने से पहले या नींद टूटने के बाद भी आप सोचने लगोगे, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करोगे, बेचैन हो जाओगे कि भाई अब मेरे को नींद नहीं मिली तो क्या होगा, अगले दिन मुझे काम पे जाना है, अगले दिन ये करना है वो करना है, 10 तरह की जिम्मेदारियां हैं, वो सब पूरी ना हो पाने का जो डर रहेगा वो आपको सताएगा, जिस वजह से अगर नींद टूटेगी तो दोबारा नहीं आ पाएगी, और साथ ही पूरा दिन भर भी आप परेशान रहोगे, एंग्शियस रहोगे और आपका धीरे धीरे मूड जो है वो बहुत लो होना शुरू हो जाएगा। लंबे समय तक अगर इंसोम्निया बना रहे तो बहुत सारे शोध बताते हैं कि एक पर्सन को डिप्रेशन आने के तो कई गुना चांस बढ़ ही जाते हैं, करीब 10 गुना चांस बढ़ जाते हैं डिप्रेशन आने के उन लोगों में जिनको लंबे समय तक प्राइमरी इंसोम्निया रहता है। साथ ही उनको काफी सारी फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। हार्ट डिसीजेस का एक बड़ा कारण होता है लंबे समय तक नींद ना आने की बीमारी। साथ ही इम्यून सिस्टम का गड़बड़ा जाना, मोटापा आ जाना, डायबिटीज हो जाना और कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाना, खासकर की महिलाओं में, ये बहुत आम तौर पर देखा जाता है जब लोग लंबे समय तक इंसोम्निया से पीड़ित रहते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं इंसोम्निया के? क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिना बात के उनकी नींद टूटे जा रही है और उनको नींद नहीं आ रही है? क्योंकि कारण तो जरूर होगा, तभी नींद टूटती है। तो कुछ कारण है जो कि डॉक्टरों ने आइडेंटिफाई किए हैं। काफी सारा शोध बताता है कि प्राइमरी इंसोम्निया मेनली सर्कैडियन रिदम में आने वाली इररेगुलरिटीज और इम्बैलेंस की वजह से होता है। वर्क लाइफ शेड्यूल जब बिगड़ जाता है, एक पर्सन का काम करने का, सोने का टाइम बिल्कुल सेट नहीं रहता, रात को कब सो रहे हैं, सुबह कब उठ रहे हैं, दिन में कितना ज्यादा व्यस्त रह रहे हैं, कितना फिजिकली एक्टिव हो रहे हैं या मेंटली एक्टिव हो रहे हैं, कितना आपको एक्स्ट्रा जागना पड़ रहा है या कम सोना पड़ रहा है, जब आपको बहुत ज्यादा इस तरह का तनाव आता है, आपके वर्क में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है या किसी तरह के लॉसेज हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, बिजनेस में, जॉब में किसी तरह की चिंताएं हैं, जब लंबे समय तक ये चिंताएं बनी रहती हैं या इस तरीके का इम्बैलेंस लाइफ में रहता है, तब एक पर्सन का जो सोने और उठने का जो पूरा साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसे कहते हैं सर्कैडियन रिदम में आने वाले इम्बैलेंस। सर्कैडियन रिदम मतलब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक। रात को एक पर्टिकुलर टाइम पर नींद का आ जाना और सुबह बिना अलार्म के भी आपका शरीर, आपका दिमाग इस तरह से तैयार हो जाता है कि महसूस होता है कि नींद पूरी हो गई और वो आपको उठा देता है। तो सुबह एक फिक्स टाइम पर आपकी नींद टूट जाना, रात को एक फिक्स टाइम पर नींद का आ जाना, ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और ये हमारे दिमाग में, शरीर में किसी तरह से सेट हो जाती है। इसके पीछे काफी सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होते हैं। बहुत सारे शोधकर्ता डॉक्टर लगे हुए हैं समझने में कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक काम कैसे करती है। अभी तक वैज्ञानिक इसे नहीं समझ पाए हैं, पर फिर भी जो इंसोम्निया के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये सर्कैडियन रिदम का इररेगुलर हो जाना देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को प्राइमरी इंसोम्निया है, जब उनको रात को नींद आती है तो वो बहुत गहरी नींद आती है उन लोगों के मुकाबले जिनको की प्राइमरी इंसोम्निया नहीं है। ब्रेन के अंदर जो वेव पैटर्न्स होते हैं वो इंसोम्निया पेशेंट्स में कुछ इस तरह से काम करते हैं कि भले ये थोड़ी देर भी सो रहे हो, 2 घंटा ही क्यों ना सो रहे हो, पर इनको बहुत गहरी नींद आएगी।
जबकि जिन लोगों को इंसोम्निया नहीं है वो ठीक ठाक एवरेज लेवल की नींद लेते हैं, क्योंकि जब इन लोगों में नींद की कमी रहेगी तो थोड़ी देर के लिए भी अगर नींद आएगी तो दिमाग कोशिश करेगा कि उस नींद की कमी को पूरा कर लिया जाए। पर इसी के साथ कुछ लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से नींदें उनकी कम हो जाती हैं, जैसे कि हाई लेवल न्यूरोटिसिज्म का होना एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट जिसकी वजह से एक व्यक्ति लंबे समय तक चिंताओं का, ओवरथिंकिंग का एक्सपीरियंस करता है। नींद की प्रॉब्लम आने से कई साल पहले से भी एक पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है, ओवरथिंकर होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर चिंताएं करते हैं, जल्दी किसी बात से अपसेट हो जाते हैं, कोई बात दिमाग में बैठती है तो निकल नहीं पाती, जल्दी किसी सिचुएशन का स्ट्रेस ले लेते हैं, घबरा जाते हैं। तो ऐसे में ज्यादा सोचने की वजह से ये लोग अक्सर नींद में आने वाली इररेगुलैरिटीज एक्सपीरियंस करते हैं, और कोई एक ऐसा टाइम आता है जिसमें कि इनको इंसोम्निया डेवलप हो जाता है जब कई दिनों और रातों तक उनको नींद अच्छी नहीं आती। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ जेनेटिक कॉजेज होते हैं, इंसोम्निया जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिलीज में रन कर सकता है। जेनेटिकली एक पर्सन क्या एंग्शियस नेचर होता है या डिप्रेसिव नेचर होता है, वो भी इंसोम्निया हो सकता है। तो ऐसे बड़े सारे कारण मिला जुला कर एक पर्सन को प्राइमरी इंसोम्निया हो सकता है, पर पक्के तौर पर नहीं पता कि लोगों के दिमाग में क्या चलता है जिसकी वजह से इंसोम्निया होता है। अब बात करेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। पहले ये देखा जाता है कि एक पर्सन की स्लीप की नीड्स हैं कितनी। एक 70-80 साल का व्यक्ति जिसके एक्चुअल में स्लीप की जो नीड्स हैं वो करीब 4 या 5 घंटे की ही हैं, ऐसा व्यक्ति अगर कहे कि मैं 4 घंटे सोता हूं पर मैं अच्छी नींद ले लेता हूं, तो उसे हम इंसोम्निया नहीं कहेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति परेशान नहीं होता नींद के कम होने की वजह से। पर वहीं एक 30 या 40 साल का व्यक्ति है जो सोना तो चाहता है 8 घंटा पर मिल रही है उसे 4 घंटे की नींद, और वो दिन भर परेशान रहता है कि मेरे को पूरी नींद क्यों नहीं मिल पाई, मेरे को नींद मिलनी चाहिए थी, इस पर्सन को हम कहेंगे कि इसे इंसोम्निया हुआ है, क्योंकि इसको सब्जेक्टिव मतलब साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है। तो नींद का कोई अपना कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है डिसाइड करने का कि इतने घंटे की नींद मिलना ही जरूरी होता है, और अगर ये 8 घंटे की नींद ना मिले तो इंसोम्निया होगा। कई लोगों की उम्र के साथ और कोई दूसरे वजहों से उनकी नींद की जो जरूरतें हैं वो कम हो जाती हैं। कई लोग 6 घंटे की नींद में भी बहुत चुस्त और बहुत ही एक्टिव महसूस करते हैं, उनको ये नहीं लगता कि उनको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है या उनके काम नहीं हो रहे। पर कई लोग अगर 1.5-2 घंटा नींद ना मिले, 6 घंटे की नींद मिले तो भी वो परेशान हो जाएंगे। तो जो लोग परेशान हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी आती है, डिस्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा नींद की कमी महसूस करते हैं, शिकायतों में भरे रहते हैं, उन लोगों को इंसोम्निया का डायग्नोसिस दिया जाना चाहिए, और इन्हीं लोगों को डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं पहले। फिर इसके बाद नींद ना आने का रीजन ढूंढा जाता है। प्राइमरी इंसोम्निया कहा जाएगा तभी जब वो किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से ना हो, मतलब कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी की बीमारी ना आ रही हो। फिर इसके बाद साइकोलॉजिकल या फिजिकल टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे एक होता है स्लीप स्टडी। स्लीप स्टडी जिसे पॉलीसोमनोग्राफी भी कहते हैं, इसके अंदर पूरा रात भर आपके बॉडी पे कई सारे इलेक्ट्रोड्स लगाकर आपके बॉडी का, ब्रेन के वेव्स का डेटा लिया जाता है, देखा जाता है कि आपका शरीर और दिमाग रात को सोते समय कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, आपकी जो रेम और नॉन रेम स्लीप है उसके पैटर्न्स समझे जाते हैं, आपकी ब्रेन की, मसल्स की, ब्रीदिंग की एक्टिविटी को नोटिस किया जाता है। और सारा एनालिसिस करने के बाद जब 6-8 घंटे तक आपके ऊपर ये सारे इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, आप एक डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट होकर जब आप पर ये प्रोसीजर किया जाता है तो डॉक्टर एनालिसिस बनाता है। और नॉर्मली ये देखने में आता है कि जब प्राइमरी इंसोम्निया होता है तो लोगों का ब्रीदिंग पैटर्न तो नॉर्मल रहता है पर उनके ब्रेन की एक्टिविटी का पैटर्न डिस्टर्ब रहता है, जिससे कि पता चल जाता है कि उनको एक्चुअल में नींद नहीं आ रही है। फिर दूसरा तरीका होता है एक क्वेश्चनेयर का यूज करना। पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा क्वेश्चनर है जिसे लोग खुद भरते हैं और बताते हैं कि उनका अमाउंट और क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसा है, कितना सो रहे हैं और कितनी अच्छी क्वालिटी है उनके स्लीप की, इसे वो खुद रिपोर्ट करके एक क्वेश्चनर पर, प्रश्नावली पर डॉक्टर को बताते हैं। तीसरा आता है मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये दिन में किया जाता है। पेशेंट को कहा जाता है कि आप एक नैप लो, थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करो, और जब वो पेशेंट सोता है तो देखा जाता है कि वो कितना जल्दी सो पा रहा है, कितना जल्दी उसको झपकी आई और एकदम से वो गहरी नींद में चला गया, ये देखा जाता है। जितना ज्यादा एक पर्सन को स्लीप डेप्रिवेशन होगा, नींद की कमी होगी, उतना ज्यादा, उतना जल्दी और उतना गहरे में एक व्यक्ति जो है वो नींद में चला जाएगा। इसी के साथ अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे हो, बायपोलर, स्किजोफ्रेनिया, कुछ और डिसऑर्डर्स हो, एडिक्शन के डिसऑर्डर हो, तो उनका भी असेसमेंट करना जरूरी होता है देखने के लिए कि वो कितना ज्यादा लेवल है उनके मेंटल हेल्थ कंडीशन का जिसकी वजह से इंसोम्निया अफेक्ट हो रहा है।
या इंसोम्निया की वजह से वो मेंटल हेल्थ कंडीशंस कितनी अफेक्ट हो रही हैं, सिर्फ रूल आउट करने के लिए, पता करने के लिए कि ये बीमारी प्राइमरी इंसोम्निया है या नहीं है। साथ ही डॉक्टर कुछ फिजिकल टेस्ट करा सकते हैं देखने के लिए कि कोई फिजिकल डिसीज तो नहीं है, कोई लिवर डिसीज, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कोई हार्ट कंडीशन, बड़ी उम्र में डिमेंशिया का रिस्क हो सकता है, पार्किंसंस हो सकता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, कुछ इस तरह के फिजिकल डिसीजेस को रूल आउट करने के लिए भी डॉक्टर कुछ टेस्ट करा सकते हैं। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। जैसा कि बताया कि माइल्ड केसेस जो होते हैं इंसोम्निया के, वो खुद ही ठीक हो जाते हैं कुछ समय के बाद, एक दिन अच्छी नींद मिल जाए इंसोम्निया गायब। और कई लोग ऐसा एक्सपीरियंस भी करते हैं कि हमें नींद की प्रॉब्लम कई बार होती है, पर एक दिन अच्छा नींद ले लें तो उसके बाद गायब हो जाती है प्रॉब्लम। कई लोगों के लिए दिन में नैप ले लेना भी हेल्प कर देता है, हालांकि नैप लेना रिकमेंड नहीं किया जाता। ये नहीं रिकमेंड किया जाता कि आप दिन में आधा एक घंटा या दो घंटा सोएं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा पौना घंटा सो सकते हैं, पर इससे ज्यादा सोना रिकमेंडेड नहीं होता। पर फिर भी कई लोग कहते हैं कि अगर नींद की प्रॉब्लम होती है दिन में थोड़ा बहुत सोकर हम अपनी नींद की कमी पूरी कर लेते हैं, तो ये तो कुछ लोगों पर काम कर गए ट्रीटमेंट जो वो खुद ही निपटा लेते हैं। पर इसी के साथ जब बदलाव लाना होता है, जब ये काम नहीं करते तरीके, जब किसी दिन ज्यादा नींद मिलकर भी मुश्किलें हल नहीं होती या किसी दिन ज्यादा नींद आती ही नहीं है, तब आपको अपनी स्लीप हैबिट्स चेंज करनी पड़ सकती हैं। जैसे दोपहर में या शाम में कॉफी या अल्कोहल जैसी कोई चीज को अवॉइड किया जाए, रात को सोने से एक डेढ़ घंटा पहले अपने फोन, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट बंद करके रख दिए जाए, जब नींद लाना हो तो नींद लाने से कुछ घंटे पहले से ही आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट का एक्सपोजर ना दें खुद को, लाइटों को थोड़ा डिम कर लें, या अंधेरे में भी थोड़ा समय बिताना चाहें वो भी हो सके तो वो करें। अपना दिन भर का काम इस तरह से निपटा लें ताकि रात को सोने से एक दो घंटा पहले तक आपके दिमाग में वो काम ना चलते रहें, आप दिमाग से व्यस्त ना रहें, फ्री होकर फ्री माइंड के साथ ही सोने की तरफ आगे जाएं। जब सोना हो तो पेट भरा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा भरा हो पेट और ना बिल्कुल खाली हो, थोड़ा बहुत खाया पिया हो ताकि अच्छी नींद आ पाए, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। शाम के समय थोड़ा लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हैवी जिमिंग या एक्सरसाइज नहीं करनी, पर थोड़ा बहुत टहल लिया, चल लिया, हल्का फुल्का फिजिकल एक्सरसाइज करना, ये भी हेल्पफुल होता है। और दिन में नैप ना लेना ये बेहद जरूरी है। कुछ इस तरह के स्लीप हैबिट्स में चेंज लाकर नींद अच्छी की जा सकती है। लाइफस्टाइल की चीजें अगर काम कर जाएं बहुत अच्छा है, ना काम करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, मतलब दवाइयां लेनी पड़ेंगी। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर्स मेलाटोनिन की दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ दवाइयां सप्लीमेंट के तौर पर भी मिलती हैं तो कुछ दवाइयां डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी के साथ डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट या कोई स्लीप की हिप्नोटिक दवाइयां या कुछ एंग्जाइटी की दवाइयां जो होती हैं वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि एंग्जियोलिटिक होती हैं, एंटी हिस्टामीन्स होती हैं, बेंजोडाइजेपिन होती हैं, कुछ इस तरह की दवाइयां डॉक्टर टेम्परेरी बेसिस पर दे सकते हैं ताकि आपकी नींद की प्रॉब्लम कम हो पाए। या अगर नींद की प्रॉब्लम के साथ एंग्जाइटी डिप्रेशन के सिम्टम है तब तो ये एंटी डिप्रेसेंट एंटी एंग्जाइटी दवाइयां दी ही जाएंगी। पर एक बात मैं यहां बताना जरूर चाहूंगा कि दवाइयां एक सही इलाज नहीं होता प्राइमरी इंसोम्निया का। मैक्सिमम डॉक्टर्स अगर वो ठीक हैं, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पेशेंट्स को वो दवाइयां नहीं देंगे, वो उन पर जोर डालेंगे कि वो अपने लाइफस्टाइल और बिहेवियरल चेंज से ही अपने अंदर बदलाव लाएं। कई बार पेशेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि वो दवाइयों के पीछे भागते हैं, दवाइयों के बिना उनको नींद नहीं आती, पहले भी कभी उन्होंने दवाइयां ली होती हैं तो दवाइयों के आदी हो जाते हैं। और स्लीप मेडिसिन कुछ होती हैं जो कि एडिक्टिव होती हैं, आदत बना सकती हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि प्राइमरी इंसोम्निया के लिए दवाइयों की तरफ ना जाया जाए। ये बिना दवाइयों के भी काफी सारे मामलों में ठीक हो सकती है बीमारी, कुछ साइकोलॉजिकल और लाइफस्टाइल चेंजेस से भी इसमें पूरी तरह से क्योर पॉसिबल हो सकता है। इनफैक्ट अगर दवाइयां ली जाएं तो कुछ ही हफ्तों के लिए ली जाएं, अगर वो सिर्फ नींद के लिए ली जा रही हैं, लंबे समय तक, साल दो साल तक ये नींद की दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, ज्यादातर डॉक्टर्स का यही रिकमेंडेशन होता है। इसी के साथ नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मतलब साइकोलॉजिकल थेरेपी भी ली जा सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बहुत अच्छे असर देखे जाते हैं और अगर इसे समझ के अच्छे से अप्लाई कर लिया जाए तो इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी सभी तरह की प्रॉब्लम्स में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काफी यूजफुल होती है। इनफैक्ट मेडिसिन तो बहुत छोटे टाइम तक ही असर लाएगी, लंबे समय तक आपकी नींद की बीमारी दूर कर दे ऐसा नहीं हो सकता, जबकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो लंबे समय तक आपको एक अच्छा रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि आपकी हैबिट्स और आपकी थिंकिंग और बिहेवियर में जब लंबे समय तक बने रहने वाले चेंजेस आ जाते हैं तो आपकी नींद की प्रॉब्लम को टैकल करना, उसे पूरी तरह से दूर कर देना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। इसलिए कोशिश पूरी करनी चाहिए कि साइकोलॉजिकल चेंजेस की तरफ आगे बढ़ा जाए। और सबसे अच्छी चीज, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते।
तो ये रही पूरी जानकारी प्राइमरी इंसोम्निया के बारे में, लक्षण, कारण और इलाज इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताया। जो भी जानकारी मिली हो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, कुछ हेल्प मिलेगी इस जानकारी से। जितना आप खुद अमल में ला सकते हैं इन टेक्निक्स को या जो भी सॉल्यूशंस हैं, आपको अगर खुद ही अमल में लाकर हेल्प मिल जाती है बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें। प्राइमरी इंसोम्निया के बहुत से पेशेंट बहुत अच्छा इलाज कर पाते हैं, लंबे समय तक बना रहे तो वहां थोड़ी मुश्किल जरूर होती है पूरी तरह से इलाज लेने में, पर फिर भी इसको सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, धन्यवाद।